आज देखो हम रात को व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं मस्त अपने शादी में। और अभी देखो ना मस्त जो ना अभी फाइनली मस्त अपना तैयार हो गया है। और देखो इसने मस्त अपना जैकेट देखो पैंट और ब्लैक पहनी हुई शर्ट और मैंने देखो भैया ने शर्ट पहनी हुई है कुछ पैंट और मेरी पैंट अभी मैच तो नहीं कर रही मेरा हाँ। थोड़ा क्रीम कलर में आ रहा है और अभी का और टाइप के आ रहा है। देखो हम मस्त तैयार हो चुके हैं अपना ये देखो यार देख लो गाइस चेक कर लो लुक अभी की। ये देखो मेरी पैंट और अभी के पैंट में थोड़ा डिफरेंस है। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बस कलर में वैसे तो ठीक है। और अभी जैकेट पहनी है मैंने जैकेट नहीं पहनी हुई। मम्मी जी वहाँ मस्त अपना शीशे को देखकर तैयार हो रहे हैं। पापा जी आप नहीं जाओगे शादी में आप नहीं जा रहे मन नहीं कर रहा नहीं। पापा जी देखो अपने मस्त जाए बैठे फ़ोन चला रहे हैं अपना और मम्मी जी मस्त अपने तैयार हो रहे हैं। मम्मी जी एक्साइटमेंट है पूरे जाने के लिए एक्साइटमेंट हो मम्मी एक्साइटमेंट है। और अभी जो आप कितना एक्साइटमेंट हो और प्रभु के हमने जूते लगा दिए ये देखो शिव भगवान की और माता की जल्दी जल्दी। मैं हर डेली मतलब शाम को पूजा करता हूँ मैं पहले मंदिर जाता हूँ फिर पूजा करता हूँ और डेली का रूटीन है ऐसे नहीं हम पूजा नहीं करते डेली करता हूँ। पर मैं व्लॉग में आज पहली बार दिखा रहा हूँ और आपको व्लॉग में दिखाऊंगा जब शादी में जाएंगे। हमने देखा मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने किया हुआ है सेटअप काफ़ी अच्छा है और जलेंगे आपको व्लॉग में दिखाएंगे। और अभी तो मस्त अपना बैठ हुए हैं और भाई वहाँ पर ही बैठ के कबड्डी का मैच देख लेंगे। हाँ भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ हम प्रो कबड्डी भी देखते हैं और हमारी फेवरेट टीम है बंगाल वॉरियर्स जो मनिंदर भाई जिनको माइटी मनिंदर कहते हैं उनके लिए। मम्मी ये देखो अपने कुछ लगा रहे हैं अपने देखो कान पर मम्मी पूरे तैयार हो चुके हैं हम भी तैयार हैं। चलो अभी चलते हैं हम बाहर जोत देखते हैं जोत भी कब से कह रहे हैं चलें चलें चलो देखो अभी रात हो चुकी है देखो पूरी ऊपर से रात हो चुकी है ना रात में ब्लॉग बना रहे हैं मस्त अपना जोत चेक करो यार ये देखो इसे टोपी ले लिया और पूरे कप उतार देगा ये बाल भी नहीं बनाए इससे अभी तक इसने क्या कह रहा है चले आ जाओ फोटो खींचनी है व्लॉग बनाओ फोटो तू और फोन लो चलते से बोलो तुम बोलो हेलो गाइस अभी कह रहा भाई हमको चलना चाहिए चलो चलते हैं कह रहे मम्मी जी के साथ क्यों जाएंगे क्यों जाना तो बोल रहे हैं तुम जाओ इतनी जल्दी क्या करेंगे जाकर नहीं भाई लड़के लड़के से पहले जाती है ना साथ में जाएंगे तो बेटर रहेगा मैंने कहा रुक जाओ साथ में चलेंगे ये कर नहीं नहीं मेरे को मतलब अकेले जाना मैं क्या चला या फिर यह सामने देखो गेट खुला हुआ दरवाजा नहीं तो भाई चलो लड़की के साथ अभी क्या जाने दे अभी ब्लॉग बना रहा ब्लॉग बना रहा है ना ये तो हेलो गाइस लाइक कर दो कह रहे हैं एक्साइटमेंट हो जाने के लिए पर अभी हमको लग जाएंगे 10 मिनट। मम्मी तैयार हो रहे हैं अभी तो मम्मी तैयार हो रही शहरी का मम्मी तैयार हो रही शहरी तो वैसे चला गया अपने चाचा जी के साथ हम अपने मम्मी पापा के साथ ही जाएंगे। और पापा जी तो नहीं जा रहे आपको तो पता ही है पापा जी कह रहे डांस के अगर डांस नहीं करेंगे हम क्योंकि फिर डांस अच्छा लगता ना ब्लॉग बनाएंगे क्या डांस करेंगे हम मस्त आपको ब्लॉग में दिखाएंगे हम क्या क्या खाएंगे क्या क्या देखेंगे। चलो अभी चलते हैं घर पे अपना जो नेक हार ढूंढ रहे हैं गले में डालने के लिए मम्मी ने ये देखो वैसे तो मम्मी गगन भी तैयार होगी हाई कर दो देखो अभी भी सामने आ गया मम्मी जी अपना मस्त नेक मम्मी तो अपना गाइस पूरा तैयार हो गया जाने के लिए तैयार हो मम्मी को खाने पीने के लिए और मोटा वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा हमको अपना मम्मी जी का। और अभी देख रहा है हंस रहा है अभी पापा जी अपने यूट्यूब चला रहे हैं पापा जी अपने यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं जब भी निकलते हैं भागते भागते हम चलते हैं कर लो अभी जा रहे हैं मस्त शादी में अंदर देख लो भाई पूरा कवर की ये हमारा रियो भी भाई साथ चेक कर लो रियो भी हमारा साथ ही हमारे भाई साहब चेक कर लो यार इस टाइप का माहौल है लेने आए थे घर में किसी के ना चलो अभी गेट बंद करते हैं यार चलो अभी चले ये बैठे हुए चलो 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 जोत जी चलो चलो शादी में लो अभी फाइनली दही बल्ला उठा रहे हैं ये पकड़े एक पकड़ चम्मच कहाँ है चलो खाते हैं गाइस अभिजीत के साथ हम चलो खाते हैं दही बल्ला
भाई काम खा यार, एक भाई अपना था अपनी प्लेट में कर रहे हैं, ये देखो ये तो ले यार भाई, ये कह रहा खाने के लिए तो है, सही बात है यार, खाने दो तो अभी क्या खाएगा? पानीपुरी, पानीपुरी है ले, ये देखो यहाँ पानीपुरी पड़े हुए, एक कटोरी हमको पकड़ा दी, कैसे डेकोरेशन की है मस्त अपना, मेरे को बर्गर ही दे दे, छोड़ दे ना पानी, ये देखो भाई इसमें पानी भरा हुआ है, ये छोड़ पानी, छोड़ दे छोड़ दे, बस रख दे भाई, मेरा गोलगप्पा बन के रेडी हो चुका है, यहाँ रख के खाना पड़ेगा भाई, हम मस्त बैठे हैं, यह माहौल चेक कर लो यार, ये साडी पार्टी, ये देखो हमारी पार्टी बेचारे रंजोत भाई, ज्ञान भाई, भाई बढ़िया, हम शादी से आ चुके थे और रात को, और आपको तो पता ही है कि रात भर हमने फुल एंजॉय किया और कुछ खाया, आपको ब्लॉग में कहा था ना कि मैं ब्लॉग दिखाऊंगा, अभी सुबह हो चुकी है और आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा सुबह सिर दर्द कर रहा था और पेट दर्द कर रहा था, मम्मी कह रहे चलो सो जाए तो कल चले, क्योंकि भाई मेरा ना मतलब रात जो है ना आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा, मेरा गला ख़राब हो गया था, अभी तो आवाज़ ठीक हो चुकी है, वैसे इतनी ख़राब भी नहीं है आवाज, अभी तो ठीक है, और मम्मी जी मैं बैठे दूध सेक रहे हैं, और मम्मी जी ने अभी अभी अपने पैरों पर लगाई है ट्यूब जो हम लेकर आए थे ना, और मम्मी कह रहे अभी हमको जाना डॉक्टर को पास दिखाने के लिए, या हम नज़दीक है हमारे डॉक्टर उनके पास जाना पड़ेगा, और अभी जो तो अभी स्कूल गया है, और काफ़ी मस्त, ये देखो मेरे मम्मी के वहाँ धूप है और मेरे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है, देखो और मम्मी जी अपना मस्त बैठे धूप सेक रहे हैं, और रात मम्मी फूल खाए पिया, पर मम्मी जी गाइस कल कम खा सकते क्योंकि मम्मी जो लहसुन होती है ना आपको पता ही है, मम्मी जो जल लेकर आए हैं उन्होंने कहा है कि तुम लहसुन चावल कुछ भी नहीं खा सकते, इसलिए मम्मी जी ने तकरीबन दही भल्ले खाए और तकरीबन कॉफ़ी भी, बस इतना कुछ खाया, क्योंकि बाद में मम्मी जी ने सुबह मतलब घर पर रोटी खानी पड़ी, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर वहाँ लहसुन खा लेंगे तो मतलब कहते हैं ना बुरा हो जाते, इसलिए वो खा नहीं सकते, और हमने तो भाई मैंने तो फुल खाया, पर मैंने वह खाना नहीं खाया, मैंने भल्ला खाया और फ्रूट चाट खाई, कॉफ़ी पी, कोक पिया, रियलमी का जो डब्बा वो पी, काफ़ी फुल मस्ती की, आपको व्लॉग भी दिखाया, और मम्मी जी अपना चल मस्त बैठे, और मैंने ये देखो अभी तक पहनी हुई है, और नीचे से वही शर्ट जो मैंने रात पहनी थी ना, ये देखो नीचे से, क्योंकि अब मेरे को ठंड लग रही थी ना, मम्मी कह रहे चलो सो जा, तो और मैं सो गया, अभी उठाऊँ, और क्योंकि अभी तो मेरा जो है दर्द थोड़ा बहुत कर रहा है, और अभी तक तो मस्त मैं ठीक यहाँ बैठा हूँ अपने मंजे पर, और मम्मी जी अपने मंजे पर बैठे हो, मैंने ये टोपी ली थी रात को, ये देखो नेहा की टोपी, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी थी ना, इसलिए मैंने ये रात को लेकर मस्त हो गया था, आज के लोग में इतने ही, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू गाइस, बाय।